हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल एंड टुडे वी डिस्कस सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज थ्रू इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन रिलेशनशिप टू अचीव अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हम जब गुड्स को फ्लो करवाते हैं, मतलब लेके जाते हैं, वो होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसको कैसे मैनेज करना है वो होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल कैसे होगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश जो गुड्स हैं वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, मतलब कि पॉइंट ऑफ ओरिजन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी आती है उन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, इंटीग्रेशन करके रखना, उन सब एक्टिविटीज़ को संभाल के रखना। जैसे फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन, मतलब रॉ मटेरियल कच्चा माल जो होता है उसका फ्लो और फिनिश गुड का भी फ्लो, रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड, इंफॉर्मेशन मनी कहाँ से कहाँ तक, फैक्ट्री से लेकर एंड कंज्यूमर तक, दैट इज सप्लाई चेन। ये जो है इसमें हमारे प्रोसेस, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले सप्लायर होगा, सप्लायर से वो कहाँ जाएगा, हम एग्जांपल लेते हैं वुड का। वुड है सप्लायर, लकड़ी जो है पहले काटी, सप्लायर के ने उसको ट्रांसफ़र किया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में वो बेंच में कन्वर्ट हुई या टेबल में कन्वर्ट हुई, टेबल में कन्वर्ट होने के बाद वो वेयर हाउस में गई, वेयर हाउस में रखे जाने के बाद वो गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के पास गई, फिर सेलर से वो कहाँ गई, एंड कंज्यूमर के पास। तो ये क्या है, सप्लाई चेन, मतलब किस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो रही है, जा रही है। तो इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, ये पांच कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला है प्लान, हम प्लान करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना, मतलब कि हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कैसे गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे, इसके रिगार्डिंग जितनी भी प्लानिंग की जाएगी वो किसका पार्ट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमारा प्लान करना, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, कहाँ कहाँ से वो रिसोर्सेज हम ग्रैब करेंगे, ये सब किसका पार्ट है, प्लान का। नेक्स्ट वन आ गया हमारा डेवलप करना, डेवलप करना मतलब कि ये ऑफकोर्स हमारा है रिलेशनशिप कैसे बनाना सप्लायर के साथ। हमने प्लान कर लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमें ये यहाँ से मिल सकती है, इन सप्लायर से मिल सकती है, देन उन सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करना, उन सप्लायर को अच्छे अमाउंट में, मतलब उनसे रॉ मटेरियल को परचेज करना, उनको अकॉर्डिंगली उनके पैसे देना। हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, इस फेज़ में हम क्या करेंगे, वहाँ से हमें रियल में अपने मतलब वेयर हाउस में लेके आना प्रोडक्ट को। जैसे कि लकड़ी की बात कर रहे थे हम, वुड की बात कर रहे हैं, तो हमने प्लानिंग में ये किया कि हमें वुड कहाँ से लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, कैसा होगा। डेवलप में हम उसको, हम सप्लायर से रिलेशन मेंटेन करेंगे, वहाँ से सप्लायर से अपने पास लेके आएंगे उसको। नेक्स्ट आता है हमारा मेक, मेक मतलब बनाना उसको, सो सिंपल, जो हमारा वुड थी लकड़ी थी उसको कन्वर्ट कर देना टेबल में, वो और टेबल किस साइज़ का होगा, शेप का होगा, कैसा दिखेगा, स्टाइलिश होगा, नॉर्मल होगा, तो वो सब किस में आ जाएगा, मेक में आ जाएगा। उसकी टेस्टिंग से लेके टेस्टिंग, पैकिंग, रिपेयरिंग, वो सब किसका पार्ट बनेगा, मेक का। फोर्थ वन इज़ डिलीवर, डिलीवर करना मतलब कस्टमर को दे देना, इसमें क्या आता है, लॉजिस्टिक फेज आ जाएगा, कस्टमर अपने ऑर्डर को रिसीव कर लेगा, डिलीवरी हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की। इसमें लॉजिस्टिक में क्या क्या आता है, इसके फीचर्स कह सकते हैं या क्या क्या काम ये करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न,
रिटर्न मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमने सेंड कर दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिटर्न लेना, दैट इज़ रिटर्न। तो ये क्या कॉम्पोनेंट है, ये एक प्रोसेस भी कह सकते हैं हम इसको, कॉम्पोनेंट्स भी कह सकते हैं। जब भी हम इसके बात करते हैं तो हम 3 लेवल्स पे बात करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक मतलब कि टॉप लेवल, देन आता है टैक्टिकल, देन ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक मतलब कि स्ट्रेटेजी जहाँ पे बनती है, हाइयर लेवल जहाँ पे हर एक डिसीज़न लिया जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ इस्टेब्लिश होगी, सप्लायर कौन कौन होंगे हमारे, प्रोडक्ट कौन से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, सेल्स कहाँ की जाएगी, मार्केट हमारी क्या होगी। तो ये सब किसका पार्ट आ जाता है, हमारा टॉप लेवल डिसीज़न में आ जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सब चीज़ें इंक्लूड होती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट को हमें सप्लायर से लेके आना हो और कस्टमर्स तक पहुँचाना हो। सेकेंड आता है हमारा टैक्टिकल डिसीज़न। टैक्टिकल जो डिसीज़न होता है वो कॉस्ट बेनिफिट डिसीज़न पे डिपेंड होता है। मतलब जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज़ करें, तो ये क्या हुआ हमारा टैक्टिक का पार्ट बनेगा। टैक्टिक में हम क्या करते हैं, हम कंपटीटर को स्टडी करते हैं और एक बेस्टेस्ट डिसीज़न निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशनल डिसीज़न बनाते हैं। ऑपरेशनल में हमारा क्या आ जाता है कि वेयर हाउस कहाँ पर होगा, कस्टमर से ऑर्डर कैसे लेना है, परचेज एग्रीमेंट सप्लायर से जो हम बनाएंगे वो कैसा होगा, शेड्यूल कैसा होगा, और वहीं पे हमारा टैक्टिकल डिसीज़न क्या होगा, वेयर हाउस का जो प्राइस है या फिर इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट है उसको कम से कम कैसे किया जाए, परचेज स्ट्रेटेजी है वो अपने फेवर में कैसे ली जाए, मतलब सप्लायर को पेमेंट देनी है हमें लेकिन मोल तोल करके, मतलब चार्जेस को कम करके उस चीज़ को कैसे ग्रैब किया जाए, वो सब हम किस में देखते हैं, इन टैक्टिकल। ये क्या है हमारे डिसीज़न है, 3 लेवल के डिसीज़न, 3 लेवल्स पे डिसीज़न लिया जाता है जब भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर एक्टिविटी इन 3 डिफरेंट पार्ट्स पर परफॉर्म होती है। नाउ इट्स कम टू फीचर, मैंने आपको बताया था फीचर हम कह सकते हैं इसको, या फिर क्या काम करती है एग्जैक्टली, या इम्पॉर्टेंट वर्क जो भी करती है, फंक्शन क्या क्या करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फंक्शन मैंने 4 लिए हैं। सबसे पहला आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि रॉ मटेरियल हमारा कहाँ से होगा, सप्लायर कौन होगा, कंपोनेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होंगे हमें प्रोडक्शन के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो हमारा हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सेकंड आता है हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट आता है हमारा, हम जो ऑर्डर ले रहे हैं वो हम टाइमली उसको डिलीवर करें, कस्टमर को डिलीवर टाइमली करें, सेल्स ऑर्डर है तो उसको ट्रैक करते रहे टाइमली, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें लोगों के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस करें, हमारा जो रॉ मटेरियल जहाँ बन रहा है, रॉ मटेरियल से हमारी फैक्ट्री तक आने में कितना टाइम दे रहा है, उस अकॉर्डिंग हम अपने सारे डिसीज़न लेंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारा प्रक्योरमेंट। प्रक्योरमेंट मतलब कि जो भी एक्टिविटी, सोर्सिंग, परचेजिंग, पेबल, इन सब के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटी होती है, मतलब सप्लायर के रिगार्डिंग, सप्लायर से अपनी कंपनी में लेके आना उस प्रोडक्ट को, वो सारी हमारी आते हैं प्रक्योरमेंट। प्रक्योर करना मतलब कि लेना, अगर हम प्रक्योरमेंट का नॉर्मल मीनिंग भी देखते हैं तो उसका यही मतलब बनता है कि हम ले कैसे रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा, मतलब हमें उस सॉफ्टवेयर की जो जिस पे हम अपना प्रक्योरमेंट वर्क कर रहे हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और प्रक्योरमेंट में हमारा आ जाता है शिपिंग हो गया, बाइंग हो गया, ये सारा हमारा किस में आ गया, प्रक्योरमेंट में, प्रक्योर करना उस प्रोडक्ट को प्रक्योरमेंट से। वैसे प्रक्योरमेंट की बेनिफिट्स अगर हम बताएं तो हमारा पेपर वर्क काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक प्रक्योरमेंट करने लगे हैं, परचेजिंग साइकिल कम हो जाते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है, पेमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है प्रक्योरमेंट से, हम वेंडर के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं थ्रू प्रक्योरमेंट। लॉजिस्टिक वही है,
लॉजिस्टिक मतलब उसको अपने गोडाउन में शिफ्ट करवाना, दैट इज़ लॉजिस्टिक, जिसमें वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स इंक्लूड होते हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, सिर्फ हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, जबकि लॉजिस्टिक में क्या आ जाता है, हम उसको अपने घर पे लेके आते हैं, मतलब वेयर हाउस में रखवा देते हैं, और वो रखवाने के लिए जो बीच में जितना भी काम होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, सप्लायर से हमारे घर तक मतलब हमारी फैक्ट्री तक आने में बीच में जो आता है वो काम किसका होता है, लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक अगर हम नाम को भी एक्सप्लेन करें तो इसमें वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ही आती हैं। नाउ कम टू द एडवांटेज, थ्री बेसिक एडवांटेज इसकी मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है इन्हेंस सप्लाई चेन नेटवर्क, मतलब कि सप्लाई चेन नेटवर्क बढ़ जाता है, हम इन्हेंस कोलाब्रेशन कोलाब्रेट कर पाते हैं, अच्छे से कस्टमर अच्छे बना पाते हैं, रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। मिनिमाइज डिले मतलब लेट प्रोसेस में, लेट होने में मतलब काफ़ी बेनिफिट होता है, हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो प्रोसेस में डिले नहीं होता है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।